अस्सलाम वालेकुम। फ्रिंज या झालर हमेशा ही इन रहती है और उसे बनाने के बहुत से तरीके हैं। ये डबल टाई फ्रिंज है जो किसी भी फैब्रिक पर बनाई जा सकती है। दुपट्टों के किनारे हों या बेडशीट या फिर शॉल वगैरह, सब पर ही बनी अच्छी लगती है। झालर के लिए डबल धागा सुई से गुजारा है ताकि लटकन हैवी बने। कपड़े के किनारे से सुई निकाल कर धागा यूं ही छोड़ दें। अब मुनासिब फासला देकर धागे निकालते जाएं। बेस को मजबूत करने के लिए एक रंग के धागों को घुमाकर गिरा लगा लें। सब धागों पर ऐसे ही सादा सी गिरा लगानी है। अब हमारे पास एक लटकन में 8 धागे हैं, इन्हें आधा कर लें। अब एक लटकन के 4 धागे तीसरे नंबर की लटकन के चारों धागों से मिला देंगे। सब धागे तरतीब में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सफाई से धागों की गिरा लगानी है। गिरा की तरतीब का बहुत ही ख्याल रखना है। सब धागों पर इसी तरह गिरा लगाते जाएं। ये झालर आसान है। गोल्डन थ्रेड या रेशम या ऊन से भी जहां चाहे बना लें। इसमें मोतियों का एडिशन भी किया जा सकता है। बहुत ही प्यारी झालर तैयार है। वेरिएशंस की जा सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है।